जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत और उसके सिद्धांतों का रहस्य बहुत पहले भी किसी महानुभाव ने पूछा था कि प्राकृतिक चिकित्सा में मेरे मुझे यह बीमारी है क्या प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हो जाएगी तो अब आप जान लें कि प्राकृतिक चिकित्सा से कौन कौन सी बीमारी किस तरह से ठीक होती है और प्राकृतिक चिकित्सा किसको ठीक करता है यह सब विषय प्राकृतिक चिकित्सा के रहस्यों को लेकर आज का यह वीडियो है क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा आज के समय में एक बहुत बड़ा वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में उभर रहा है और मनुष्य जाति को इसकी आवश्यकता है तो प्राकृतिक चिकित्सा का जनक कौन था सच पूछिए तो प्राकृतिक चिकित्सा का वैसे कोई जनक नहीं था क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसी कोई क्रिया नहीं थी जिसका किसी व्यक्ति ने किसी विशेष समय पर आविष्कार किया और उसको जाना गया जी नहीं वैसे कहा जाता है बेनेडिक्ट लस्ट नामक एक होमियो नेचुरोपैथ थे जर्मनी से संभवतः वह जर्मनी से थे तो उन्होंने इसका बहुत व्यापक प्रचार शुरू किया था लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा की जो क्रियाएं हैं वो बहुत पहले से मनुष्यों के द्वारा जगह जगह पर अपने अपने सुविधा के हिसाब से प्रयोग में लाई जाती थी कुछ लोग लोगों को लाभ होता तो वो उसका अनुसरण करते नहीं तो उसका अनुसरण नहीं करते तो हम आज यह समझेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा को ऑर्गेनाइज किया गया मतलब ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स को इकट्ठा किया गया उनको ऑर्गेनाइज किया गया और एक सिद्धांत बनाया गया कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है नेचुरोपैथी जो है वो इस सिद्धांत पर काम करेगी बहुत सारे लोग नेचुरोपैथी का मतलब समझते हैं कि खाना कम खाओ या फिर जंक फूड खाना बंद कर दो या फिर मात्र पानी पी के रह जाओ मात्र कच्ची चीजें खाओ कहीं पर किसी संस्थान में किसी गुरुजी के आश्रम में मात्र जो है कच्ची चीजों को खाना ही वो नेचुरोपैथी समझ लेते थे कि वे खाना पीना बंद कर दो मात्र कच्ची कच्ची चीजें खाओ तो नेचुरोपैथी हो जाएगा जी नहीं नेचुरोपैथी आज के टाइम में एक वैकल्पिक चिकित्सा सिक... के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुकी है और यह एक चिकित्सा है एक थेरेपी है और यह एक सिद्धांतों के साथ चलती है मात्र अन्न को त्याग देना और मात्र फल फ्रूट खा लेना इसको मात्र प्राकृतिक चिकित्सा हम नहीं कह सकते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं उनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे दस सिद्धांत बताए जाते हैं मूलभूत सिद्धांत प्राकृतिक चिकित्सा के दस बताए जाते हैं और इससे शरीर स्वस्थ होता है निरोग होता है हृष्टपृष्ट होता है सिर्फ कमज़ोर नहीं होता एक संतुलन बनाए रखने के लिए किसी चिकित्सा का उद्देश्य होता है लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में सही सही ज्ञान नहीं रखने के कारण कई बार लोग बहुत सारी चीज़ों को प्राकृतिक चिकित्सा में सम्मिलित कर लेते हैं या कुछ मन मर्जी की बात समझ लेते हैं किसी ने कुछ और उल्टा सीधा समझा दिया तो वह भी समझ लेते हैं कि भाई यही प्राकृतिक चिकित्सा है यही नेचुरोपैथी है जी नहीं तो प्राकृतिक चिकित्सा विशेष करके जर्मनी से ही इसका प्रचार प्रचार करना शुरू माना जाता है लेकिन हमारे यहां पर अब भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का उस तरह से महत्व इसलिए नहीं था क्योंकि यहां पर योग और आयुर्वेद था और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारी क्रियाएं जो कि योग और आयुर्वेद की ही क्रियाएं हैं का प्रयोग किया गया उनको सम्मिलित किया गया उस थेरेपी में लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का अपना एक सिद्धांत है वह सिद्धांत क्या है वह समझने योग्य है सही से समझने योग्य है कि नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल्स क्या हैं किस सिद्धांत पर नेचुरोपैथी काम करती है और बीमारियों को ठीक करती है बीमार व्यक्ति को ठीक करती है कुछ सिद्धांत आपको आश्चर्यचकित कर देंगे प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो आपको बहुत आश्चर्यचकित करेंगे तो आइए देखते हैं कि दस सिद्धांत कौन कौन से हैं प्राकृतिक चिकित्सा में तो प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि सभी रोग और उनके कारण एक ही हैं और उनकी चिकित्सा भी एक है सभी रोग और उनके कारण एक है और चिकित्सा भी एक है मतलब एक ही चिकित्सा इसमें की जाती है प्राकृतिक चिकित्सा में एक ही चिकित्सा की जाती है बस और सारे रोग भी एक ही हैं हाँ रोगों की एक अलग अलग कैटेगरी हो सकती है लेकिन यहां पर बीमारी की बात चल रही है रोग की बात चल रही है यहां पर आप एक्सीडेंट वगैरह को हटा दीजिए जो एक्सीडेंट वगैरह से क्षति हो जाती है रोड एक्सीडेंट हो गया या गिर गए चोट लग गई हाँ उसमें भी अगर रोग होता है आपको बीमारी होती है तो उस बीमारी का कारण एक ही है अगर आपको टीबी होता है तो एक ही कारण है अगर आपको कैंसर होता है तो एक ही कारण है अगर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन और कोरोना से होने वाली सांसों की बीमारी होती है तो एक ही कारण है जी हां प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत कहता है कि सभी रोग एक हैं और उन सभी रोगों की चिकित्सा भी एक ही है तो हो गई ना बड़ी रहस्यमयी बात बड़ी मिस्टीरियस सी बात बता दी कि भैया समझाओ कैसे सभी रोग एक ही हैं और सभी रोगों की चिकित्सा भी एक ही है समझाओ तो कैसे समझ में आए बात चलिए आगे के सिद्धांत देखते हैं ये नंबर वन है तो प्राकृतिक चिकित्सा का दूसरा सिद्धांत कहता है कि रोगों का मुख्य कारण जीवाणु या कीटाणु नहीं है जीवाणु या कीटाणु नहीं है मतलब बीमारी जो है बैक्टीरिया से नहीं होती है बीमारी जो है वायरस से नहीं होती है अब आप कहोगे कि भाई ये चिकित्सा है या क्या चीज है ये सारी दुनिया बता रही है पूरा हम किताबें पढ़ते हैं कि फलाने बैक्टीरिया से फलानी बीमारी हो जाती है फ्यूबरकोसिस हो जाता है बैक्टीरिया से बैक्टीरिया से तरह तरह की बीमारियां होती हैं मलेरिया होता है प्रोटोजोन से मच्छर के अंदर होते हैं डेंगू होता है मच्छर में एक वायरस होता है उससे हो जाता है आप कहते हो कि बैक्टीरिया और वायरस से बीमारी नहीं होती है प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत यही कहता है इसलिए इसके सिद्धांत बहुत रहस्यमई हैं। इसलिए आज का टाइटल है प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत रहस्य और आरोग्य रक्षक पंचतंत्र आरोग्य रक्षक पंचतंत्र क्या है हम इसके बाद बताएंगे उसका संबंध प्राकृतिक चिकित्सा से ही है तो प्राकृतिक चिकित्सा में सभी रोग एक हैं Sea, रोगों की चिकित्सा भी एक है ठीक है अब जो है प्राकृतिक चिकित्सा में जितने भी प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जितने भी बीमारियां होती हैं जितने भी रोग होते हैं शारीरिक मानसिक सभी रोग जो रोग की श्रेणी में आएंगे वो सब के सब कीटाणुओं से नहीं होते जीवाणुओं से नहीं होते बैक्टीरिया से नहीं होते वायरस से नहीं होते अब कैसे नहीं होते चलिए इनके अभी और सिद्धांत आप सुन लो पहले इनके सिद्धांत क्या कहते हैं उस देर के लिए आपको लगेगा ये तो बड़े अवैज्ञानिक बातें चल रही हैं जी नहीं अवैज्ञानिक बातें नहीं है बिल्कुल सटीक बातें हैं और बिल्कुल सही बातें हैं और एक्सपेरिमेंटेड फैक्ट्स हैं ठीक एक्सपेरिमेंट किए हुए फैक्ट्स हैं प्राकृतिक चिकित्सा के रोग का मुख्य रो, कहता है कि रोग का मुख्य कारण जीवाणु नहीं है बैक्टीरिया नहीं है वायरस नहीं है तीव्र रोग चूंकि शरीर के स्व प्रयास हैं अतः ये हमारे शत्रु नहीं है मित्र हैं जो तीव्र रोग होते हैं जो बड़ी तेजी से आते हैं और बड़ी तेजी से चले जाते हैं जैसे कि लूज मोशन हो गया जैसे कि कोल्ड वायरल फीवर हो जाता है लोगों को जैसे कि खांसी हो जाती है ठीक जैसे कभी कभी वॉमिटिंग हो जाता है लूज मोशन हो जाता है अचानक से दो तीन दिन रहता है फिर ठीक हो जाता है तो ये इस तरह के बुखार आ गया कभी अचानक से तेज बुखार चढ़ गया अचानक से ही धीरे धीरे नहीं अचानक से ही चढ़ गया ये जितने भी तीव्र रोग हैं तीव्रता से आने वाले रोग हैं और चले जाते हैं एक्यूट डिजीजेस हम इनको बोल सकते हैं एक्यूट डिजीजेस तो ये जितने भी रोग हैं ये हमारे मित्र हैं ये शत्रु नहीं हैं। ये हमारे मित्र हैं ये शत्रु नहीं है ये समझना चाहिए ये तीसरा सिद्धांत है चौथा सिद्धांत क्या कहता है प्रकृति स्वयं बहुत, बहुत बड़ी चिकित्सक है प्रकृति स्वयं बहुत बड़ी चिकित्सक है पांचवा सिद्धांत कहता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा रोग की की ही नहीं जाती बीमारियों को ठीक करना प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य ही नहीं है ठीक है रोग को ठीक करना प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं होता तो फिर फायदा क्या है भाई फिर प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में चिकित्सा क्यों लेना है क्यों जानना है जब रोगी ठीक नहीं होगा लेकिन ये फिर बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य रोग को ठीक करना नहीं है बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य रोगी को ठीक करना है किसका उपचार होना चाहिए बीमारी का या बीमार व्यक्ति का ट्रीटमेंट किसका होगा बीमारी का होगा या बीमार व्यक्ति का होगा सीधी सी बात है तो रोगों को खत्म करना ये रोगों को ठीक करना ये उद्देश्य प्राकृतिक चिकित्सा का नहीं है रोगी को ठीक करना प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य है रोगी को ठीक करना प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य है ठीक है तो प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि रोगी की होती है पांचवा सिद्धांत था ये छठा सिद्धांत क्या कहता है प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान सरलता से संभव है इजी वे किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती उपचार से पूर्व रोगों के निदान के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ता मतलब यह चिकित्सा एक सरल चिकित्सा है की जा सकती है आसानी से जीर्ण रोग से ग्रस्त रोगियों को भी जीर्ण रोग मतलब लंबी बीमारी बड़ी बीमारी मेजर डिजीजेज जिसको हम कहेंगे बड़े डिजीजेज जो हैं जीर्ण रोग से से कैंसर हो गया ठीक है डेंगू हो गया बड़े बड़े जो थोड़ी बीमारियां होती हैं कोलरा हो गया जीर्ण रोग से ग्रस्त रोगियों का भी प्राकृतिक चिकित्सा में सफलतापूर्वक तथा अपेक्षाकृत कम अवधि में इलाज हो जाता है कम समय में ही कैंसर पे असर डाल देगा कम समय में ही बड़े बड़े बीमारियों को शांत कर देगा उनके प्रभाव को कम कर देगा प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग भी उभर कर आ जाते हैं जी हां जिन कौन से रोग दबते हैं जो तीव्र रोग हैं उनको दवाइयां खाकर आप दबा देते हो वास्तव में वह जो रोग थे जैसे कभी लूज मोशन हो गया कभी आपको बुखार हो गया वो आपके भले के लिए था वहां पर आपकी इम्यूनिटी पावर आपकी जो ओरिजिनल इम्यूनिटी पावर है वो मजबूत हो रही थी लेकिन आपको थोड़ा सा बुखार आया आपने तुरंत मेडिसिन ले लिया आपको एक दिन लूज मोशन हुआ तुरंत आपने मेडिसिन ले लिया कि भाई ये तो काम गड़बड़ हो रहा है और आपने उसको दबा दिया तो तीव्र रोगों को आप दबा देते हैं और रोगों को एलोपैथी में दबा दिया जाता है तो दबाने के कारण जब प्राकृतिक चिकित्सा लागू होगा तो वो उभर कर सामने आ जाते हैं फिर ठीक है और उनका आना जरूरी होता है क्योंकि जो तीव्र रोग हैं वो हमारे शत्रु नहीं है वो हमारे मित्र हैं प्राकृतिक चिकित्सा में जो तीव्र रोग हैं वो शत्रु नहीं हैं वो हमारे मित्र कहे जाते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में इस तरह से बताया गया है आगे हम देखें प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक चारों पक्षों की चिकित्सा एक साथ की जाती है प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक चारों पक्षों की चिकित्सा एक साथ की जाती है विशिष्ट अवस्थाओं का इलाज करने के स्थान पर प्राकृतिक चिकित्सा पूरे शरीर की चिकित्सा एक साथ करती है जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है किसी विशेष अंग का या विशेष बीमारी का इलाज नहीं करेगी वो पूरे शरीर का ही इलाज कर देगी ठीक है पूरे शरीर का ही इलाज कर देगी तो प्राकृतिक चिकित्सा में औषधियों का प्रयोग नहीं होता मेडिसिन यूज नहीं होता प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार सबसे बड़ा मेडिसिन क्या है प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आहार जो आप खाना खाते हो वही सबसे बड़ा मेडिसिन है जो आपका नॉर्मल डाइट है नॉर्मल फूड है दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आप खाते हो वही आपकी मेडिसिन है और उसी को सही से खाओ पॉलिश दाल खाना बंद करो छिलके वाले दाल खाया करो ज्यादा से ज्यादा ठीक खड़े साबुत तो प्राकृतिक चिकित्सा में भोजन ही दवा है आहार ही दवा दवा है औषधि का काम करती है ठीक है अब चलिए फिर से पहले पॉइंट से समझते हैं कहने का अर्थ क्या है क्या समझाया जा रहा है यहां पर कि सभी रोग एक है और उनकी चिकित्सा भी एक है जी हाँ प्राकृतिक चिकित्सा में सभी रोग एक हैं कैसे एक हैं प्रश्न मन में उठेगा कि सभी रोग एक कैसे हैं भाई कोई वायरस से होगा कोई बैक्टीरिया से होगा बैक्टीरिया का बैक्टीरिया से होने वाले रोगों का नेचर अलग होता है वायरस से होने वाले रोगों का नेचर अलग होता है फिर आप कैसे कहते कि सब एक है सब एक नहीं है फंगस से होने वाले रोगों का नेचर अलग होता है फिर आप एक कैसे कह सकते हैं जी हां प्राकृतिक चिकित्सा में बस एक ही बीमारी लोगों को लगती है और वो क्या है विजातीय द्रव्य विजातीय द्रव्य मतलब आपकी बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट्स आपके बॉडी में जो जहर जमता है जो टॉक्सिक जमता है जो अनवांटेड चीजें हैं जिसकी बॉडी को कोई आवश्यकता नहीं है वेस्ट मटेरियल है उसका जमावड़ा जो होता है शरीर के अंदर वही बैक्टीरिया को निमंत्रण देता है वही वायरस को निमंत्रण देता है क्यों अभी कोरोना वायरस का इंपैक्ट प्राकृतिक चिकित्सा जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उन पर असर नहीं कर पाया क्योंकि वायरस जो बीमारी पैदा करने वाला वायरस है या बैक्टीरिया है वो ठहरेगा कब शरीर में तब ठहरेगा जब शरीर में मल ज्यादा होगा शरीर में विजातीय द्रव्य ज्यादा होंगे शरीर में वेस्ट मटेरियल ज्यादा मात्रा में होगा और जब शरीर में वेस्ट मटेरियल कॉन्स्टिपेशन के कारण हो या कई फॉर्म में हो सकता है जैसे कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल हो सकता है किटनिन के फॉर्म में यूरिक एसिड के फॉर्म में बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाने से भी वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड के, के फॉर्म में बनता है तो बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा हो गया है जो विजातीय द्रव्य बहुत मात्रा जो बढ़ गई है वही उसी का आधार लेकर वायरस और बैक्टीरिया काम करते हैं तो यदि अगर आपके बॉडी में विजातीय द्रव्य ना हो उनकी सफाई हो जाए तो कोई भी बैक्टीरिया चाहे ट्यूबर हो चाहे कोरोना हो चाहे डेंगू हो कोई भी आपके ऊपर असर करने वाला नहीं हो पाएगा तो प्राकृतिक चिकित्सा में हजार बीमारियां नहीं है एक ही रोग है और वह रोग है विजातीय द्रव्य वह रोग है टॉक्सिक एलिमेंट्स वेस्ट मटेरियल इन योर बॉडी जो हमारे शरीर में बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं क्योंकि हम शरीर की सफाई हर तरह से नहीं कर सकते हैं अब शरीर की चिकित्सा अब रो अब चिकित्सा क्या है बीमारी किसकी चिकित्सा यहां पर होगी रोगी की होगी रोग को नहीं ठीक करना है रोगी को ठीक कर दो रोग अपने आप गायब हो जाएगा रोगी को ठीक कर दो रोग अपने आप गायब हो जाएगा फिर तो अब प्राकृतिक चिकित्सा एक ही पॉइंट पर फोकस करेगी डिटॉक्सिफिकेशन, शोधन कीजिए जो कि योग के अंदर षटकर्म का सिद्धांत है योग के अंदर षटकर्म का यही सिद्धांत है कि शोधन कीजिए शरीर का शोधन कीजिए नेति धोती नौली बस्ती त्राटक कपाल भाती आदि क्रियाएं बताई गई हैं शोधन के लिए बताई गई हैं शुद्धिकरण के लिए बताई गई हैं वेस्ट मटेरियल टॉक्सिक एलिमेंट्स को विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर निकालिए और उसके लिए जो भी टेक्निक्स यूज की जाएंगी वो प्राकृतिक चिकित्सा के टेक्निक है तो प्राकृतिक चिकित्सा स्टीम बात बताता है प्राकृतिक चिकित्सा कई तरह के ऐसे टेक्निक को ही बताता है जिससे कि जो विजातीय द्रव्य है जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है वो शरीर से बाहर निकल जाए जो वेस्ट मटेरियल है वो देह से बाहर निकल जाए और जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो फिर अगर गंदगी नहीं फैलाओगे तो मक्खी क्यों आएगी गंदगी फैलाओगे तो मक्खी मच्छर तो आएंगे ही आएंगे ठीक है वैसे ही अगर शरीर में गंदगी होगी तो बैक्टीरिया वायरस का इंफेक्शन होगा ही होगा और अगर आपका शरीर साफ होगा शुद्ध होगा तो बैक्टीरिया वायरस भला क्यों आपको परेशान करेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस क्लीन कीजिए बॉडी को क्या नहा धो करो तो नॉर्मल नहाना धोना तो आप करते ही रहते हो नहीं कुछ स्पेशल टेक्निक्स को यूज किया जाता है स्पेशल टेक्निक्स को यूज किया जाता है बॉडी से टॉक्सिक्स को बाहर निकालना और बॉडी में जरूरत मिनरल्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लेवल को बढ़ा देना मिनरल्स की मात्रा आपके शरीर में बढ़े पोषण अच्छे से हो खाओ पियो अच्छे से लेकिन अच्छी चीजें खाओ गंदगी बढ़ाने वाली जंक फूड्स मत खाओ ठीक है गंदगी बढ़ाने वाली जंक फूड्स मत खाओ अच्छी चीजों का सेवन करो स्वास्थ्यवर्धक भोजन किया करो ठीक है तो एक ही रोग है विजातीय द्रव्य और एक ही चिकित्सा है डिटॉक्सिफिकेशन, हां अब डिटॉक्सिफिकेशन के कई तरीके हैं कई टेक्निक्स बताई जाती हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नेचुरोपैथी में ठीक है जो हम आसानी से घर में कर सकते हैं उन सभी टेक्निक्स का जो कलेक्शन है हम इस कोर्स में देते हैं और जो जरूरी हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं उन टेक्निक्स का जो कलेक्शन है ट्वेंटी एट वीडियोज में नेचुरोपैथी के कोर्स में मिलता है लाभ उठाना चाहते हैं बीस तारीख से शुरू होने वाला है ज्वाइन करके जरूर लाभ उठाइए ठीक है तो प्राकृतिक चिकित्सा डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करती है तो डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है तो एक ही रोग है एक ही चिकित्सा है रोगों का मुख्य कारण जीवाणु नहीं है रोगों का मुख्य कारण विजातीय द्रव्य है आपके अंदर जो गंदगी जम रही है अब एलोपैथी क्या करती है दवाइयां आपको देती है लेकिन कोई परहेज नहीं बताएगी ज्यादा अरे ठीक है जाओ जैसे खाते हो खाते रहो ये दवाइयां खाओ नहीं प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ध्यान रखा जाता है कि शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल ना बढ़े टॉक्सिक एलिमेंट्स ना बढ़े उनकी वृद्धि नहीं होनी चाहिए नेचुरोपैथी में ठीक है और जो तीव्र रोग है सर्दी खांसी और बुखार जो अचानक से आते हैं और चले जाते हैं इन तीव्र रोग हमारे मित्र होते हैं इनको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए सर्दी खांसी कुछ हो तो तुरंत से एलोपैथी की दवा ना ले थोड़ा थोड़ी प्रतीक्षा करें या डॉक्टर को दिखा लें ठीक तो प्राकृतिक प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सा है हमारे प्र, प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज हैं हमारे शरीर में हीलिंग हार्मोन्स हैं तो वो सारे जो हार्मोन्स हैं और जो एंटीबॉडीज हैं वो काम करती रहती हैं तो रोग हो इससे बढ़िया है कि आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते रहिए प्राकृतिक रूप से बढ़ाइए ठीक है प्राकृतिक चिकित्सा में किसी रोग का इलाज नहीं होता बल्कि रोगी का होता है रोगी को ठीक कर दो ना रोगी के शरीर में जो मल बैठा हुआ है उसको बाहर निकालो फिर देखो बैक्टीरिया वायरस अपने आप कमजोर मिल जाएंगे अरे उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा भूखे मर जाएंगे बैक्टीरिया वायरस या निकल भाग भागेंगे वहां से कुछ कर ही नहीं पाएंगे लेकिन आपके शरीर में जब वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा है तो भारी भारी समस्याएं हो जाएंगे ठीक है प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान सरलता से संभव है जी हां इजीली आप भी घर में खुद भी बहुत सारी क्रियाएं कर सकते हैं जीर्ण रोग ग्रस्त रोगियों का भी कम समय में इलाज हो सकता है अगर वो सही से नियमों का पालन करे प्राकृतिक चिकित्सा से दबे हुए जो रोग जिनको आपने दवाइयां खा खा कर दबा दिया है वो उभरते हैं सामने आते हैं और उनका इलाज भी हो जाता है रोगों का इलाज नहीं रोगी का इलाज हो जाता है प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक चार पक्षों की चिकित्सा एक साथ की जाती है इसमें औषधियों का प्रयोग नहीं होता फूड इज द मेडिसिन जो भोजन है हमारा वही सबसे बड़ा मेडिसिन है और प्राकृतिक चिकित्सा में एक विषय का बहुत बड़ा महत्व है वो है प्रार्थना और ध्यान प्रेयर एंड मेडिटेशन प्रार्थना और ध्यान का बहुत अधिक महत्व है प्राकृतिक चिकित्सा में यह करना ही चाहिए तो ये सारे प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत कहे जाते हैं जितनी बातें मैंने अभी बताई दस मूलभूत सिद्धांत हैं प्राकृतिक चिकित्सा के ठीक है तो प्राकृतिक चिकित्सा इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि आपके बॉडी आपको बस एक ही रोग होता है और वह रोग है आपके शरीर में विजातीय द्रव्य और उस रोग का सहारा लेकर दूसरे रोग जो बैक्टीरिया से वायरस से आते हैं लेकिन मेन जो रोग है विजातीय द्रव्य और वह क्या क्या है आपके ब्लड वेसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है वो विजातीय द्रव्य है आपके बोन के ज्वाइंट्स में जो यूरिक एसिड बढ़ रहा है वो विजातीय द्रव्य है क्रिटनिन की मात्रा बढ़ रही है जो आपके ब्लड को खराब कर रही है किडनी को फेल कर देगी वो विजातीय द्रव्य है तो विजातीय द्रव्य टॉक्सिक एलिमेंट्स वेस्ट मटेरियल, जो आपके शरीर में अनयूज कोलेस्ट्रॉल है बिना किसी काम का जो प्रोटीन है और बिना किसी काम का जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत तरह की समस्याएं पैदा करना शुरू कर देता है और वही वेस्ट मटेरियल फिर समस्या करता है तो प्राकृतिक चिकित्सा में रक्त प्रति भ्रमण कराने के प्रति भ्रमण कराने के तरीके होते हैं जैसे कि ब्लड ऊपर नीचे होगा तो अपने आप कोलेस्ट्रॉल को वहां से हटाएगा जो ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल चिपके हुए हैं ब्लॉकेज कर देंगे कई बार ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज में आपके यूरिक एसिड की भी मात्रा बढ़ने से ब्लॉकेज आ सकती है यह सब क्या है ये जो ब्लॉकेज हो रही है ये जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं यही बीमारी है ना कि हार्ट अटैक कोई बीमारी है ना कि हाई ब्लड प्रेशर कोई बीमारी है ना कि कोरोना कोई बीमारी है ना कि टी कोई बीमारी है ना कि कैंसर कोई बीमारी है मूल रूप से आपकी बॉडी में जो विजातीय द्रव्य है आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं दीज आर द डिजीज ये ये वास्तविक रोग है इसी का आधार लेकर अब दूसरी बीमारियाँ चलती हैं चाहे अब हाई ब्लड प्रेशर हो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो डायबिटीज़ हो और दूसरी कई प्रकार के बीमारियां चलती हैं प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत तो प्राकृतिक चिकित्सा में हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और मुख्य रूप से आहार ही मेडिसिन है और साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा में मेडिटेशन ध्यान हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है हमारे मानसिक और स्वास्थ्य के लिए ध्यान बहुत जरूरी है सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान सोशल हेल्थ के लिए भी ध्यान बहुत जरूरी है आपका फोकस बढ़ा देता है सिरोटोनिन और कई हार्मोन्स की जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं उनकी मात्रा को इंक्रीज कर देता है और जो कई नेगेटिव हार्मोन्स जो होती हैं उनके उनके लेवल को भी कंट्रोल करता है मिनिमाइज भी करता है तो ध्यान के द्वारा ऐसा होता है अब इसी प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत पर आरोग्य रक्षक आरोग्य मतलब स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला रोगों से हमें बचाने वाला जो दिनचर्या है उसका पंचतंत्र डॉक्टर वेंकट हुए पुणे से उन्होंने यह आरोग्य रक्षक पंचतंत्र सिद्धांत दिया आरोग्य रक्षक पंचतंत्र सिद्धांत क्या कहता है इसको भी जानना चाहिए आरोग्य रक्षक पंचतंत्र सिद्धांत कहता है दो बार भोजन करिए कम से कम आपके भोजन के गैप में 6 से आठ घंटे का गैपिंग हो लंबा गैप रखिए दो बार भोजन करिए दिन में चौबीस घंटे के अंदर बस टू टाइम्स ट्वाइस मील इन डे दो बार भोजन करिए चौबीस घंटे के अंदर बस दूसरा रूल है पंचतंत्र सिद्धांत का आरोग्य रक्षक पंचतंत्र सिद्धांत का दूसरा नियम है दो लीटर कम से कम पानी पीजिए कम से कम दो लीटर दो लीटर से ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात दो लीटर कम से कम वाटर इंटेक होना चाहिए यह दूसरा रूल है पंचतंत्र सिद्धांत का ठीक तीसरा रूल है तीसरा रूल है कि आपको सप्ताह में एक बार उपवास करना चाहिए सप्ताह में एक बार उपवास कीजिए चौथा है एक घंटे व्यायाम कीजिए लाइट एक्सरसाइज एनर्जाइजिंग एक्सरसाइज कर लीजिए ठीक है या योगासन कर लीजिए सूर्य नमस्कार कर लीजिए सूक्ष्म व्यायाम कीजिए सूक्ष्म व्यायाम जो योग में बताए जाते हैं जैसे ग्रीवा संचालन है स्कंद संचालन है कटी संचालन है ठीक है मेधा शक्ति वर्धक व्यायाम है जंघा शक्ति वर्धक व्यायाम है तो ये सब चीजें सूक्ष्म व्यायाम में आते हैं तो यह व्यायाम आप करिए जरूर एक घंटा कम से कम ठीक दो टाइम भोजन दो लीटर पानी एक टाइम व्यायाम दिन में सप्ताह में एक बार उपवास एक बार भोजन का एक दिन खाना मत खाइए पानी पीकर रहिए कुछ लिक्विड आइटम मात्र लीजिए फलों का जूस वगैरह बस नमक मत लीजिए चीनी मत लीजिए और अन्न का ग्रहण मत कीजिए या फिर सिर्फ पानी पीकर रह जाइए तो और बेहतर है तो और पांचवा अभी एक बाकी है पहला मैंने बताया दो टाइम भोजन करना पंचतंत्र सिद्धांत जो है डॉक्टर वेंकट के द्वारा दिया हुआ दो टाइम 24 घंटे में दो टाइम भोजन दो लीटर पानी डेली पीना है एक घंटे व्यायाम करना है सप्ताह में एक दिन के लिए उपवास रखना है भोजन नहीं करना है और डेली दो टाइम डेली दो टाइम ध्यान योग करना है मेडिटेशन करना है डेली दो टाइम ध्यान योग करना चाहिए दो टाइम ट्वाइस इन अ डे मेडिटेशन ट्वाइस इन अ डे एक दिन में दो बार सुबह में बैठिए और फिर शाम को बैठिए लेकिन ध्यान करिए दो बार यह दिनचर्या अपना लीजिए लाइफ स्टाइल अपना लीजिए प्राकृतिक चिकित्सा में इसका बहुत महत्व तो बताया गया है और लगभग 40 वर्षों तक डॉक्टर वेंकट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और तब जाकर बताया और प्राकृतिक चिकित्सा के एक्सपेरिमेंट भी स्वयं के ऊपर अभ्यास करते हुए किया जाता है कोई उसमें जीव हत्या नहीं की जाती एक्सपेरिमेंट के नाम पर ठीक है और यहाँ तक तो एलोपैथी में कई बार ऐसे इंजेक्शंस और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं मनुष्यों के ऊपर जिसमें कि बेचारे बहुत गरीब लोगों को जैसे तैसे बुला कर लाया जाता है और उनके ऊपर इंजेक्शन का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं डॉक्टर लोग पता चलता है कि मर भी गया अगर एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल हो गया तो, तो प्राकृतिक चिकित्सा इस तरह से कार्य करती है तो आरोग्य रक्षक पंचतंत्र सिद्धांत है दो टाइम भोजन करना दो लीटर पानी पीना एक घंटे व्यायाम करना सप्ताह में एक दिन उपवास रखना और दो टाइम साधना करना दो टाइम मेडिटेशन करना दो टाइम मेडिटेशन करना तो दो टाइम ध्यान योग जरूर कर लीजिए और इस नियम से रहने से निश्चय ही मनुष्य बहुत दीर्घायु होता है और स्वस्थ होता है ठीक है तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो कोर्स है यह इसमें कई टेक्निक्स हैं इसमें कई बातें हैं भोजन के विषय में आहार के विषय में फिर कई टेक्निक्स हैं जिससे कि बॉडी के अंदर जो विजातीय द्रव्य हैं उनको बाहर किया जाए निकाला जाए और बहुत ज्यादा असर करता है बड़ी से बड़ी बीमारी आपको अगर हमेशा कफ रहता है प्राकृतिक चिकित्सा शुरू करो विजातीय द्रव्य कम हो जाएंगे कफ का लेवल अपने आप थोड़ा डाउन हो जाएगा जबरदस्ती का आपको कफ और व्याधियां आनी ही बंद हो जाएंगी प्राकृतिक चिकित्सा बहुत प्रभावशाली क्रिया है अब तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, मैग्नेटिक थेरेपी भी इंट्रोड्यूस किया गया है और कई चीज़ें की गई हैं। लेकिन मूल रूप से यह हाइड्रोपैथी पर डिपेंड करता है जलीय व्यवस्था पर जल के द्वारा बहुत सारी चिकित्सा होगी भाप के द्वारा चिकित्सा होगी स्टीम के द्वारा मिट्टी के द्वारा मिट्टी का लेपन हो गया मड बात हो गया या फिर मड बैंडेज हो गया मतलब कि मिट्टी की पट्टी जो है शरीर पर लगाई जाती है उससे भी चिकित्सा होती है गर्म पानी ठंडा पानी बर्फ का इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जाता है ठीक है थर्मो जो टेम्परेचर का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है प्राकृतिक चिकित्सा में कि टेम्परेचर से क्या क्या हीलिंग्स हो सकती हैं कम टेम्परेचर से ठंडक से ज़्यादा टेम्परेचर से भी हीलिंग हो सकती है ठंडक वाली से भी थोड़ी हीलिंग हो सकती है ठीक है तो यह सब प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत है और यह सब प्राकृतिक चिकित्सा किस ढंग से काम करती है रोगी को ठीक करती है रोग का कोई निदान यह नहीं देती है ठीक है और एक ही रोग है दस बीस रोग नहीं है और वह रोग है विजातीय द्रव्य आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है वही सबसे बड़ा रोग है उसको बाहर निकालना सीखिए और प्राकृतिक चिकित्सा सीखना पड़ता है इसीलिए बाहर निकालना सीखिए टेक्निक को प्रैक्टिस कीजिए ट्रेन होइए बहुत लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा तो यह प्राकृतिक चिकित्सा का रहस्य है जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाना चाहते हैं बीस नवंबर से कोर्स शुरू हो जाएगा ध्यान योग का भी प्राकृतिक चिकित्सा के आपको ज्वाइन करना है जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए ठीक ध्यान योग 20 नवंबर से और प्राकृतिक चिकित्सा यह भी 20 नवंबर से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन कोर्स है दोनों ऑनलाइन है आप इनको ज्वाइन कीजिए समय लगाइए समझिए और अपना कल्याण कीजिए समाज का कल्याण कीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कौन महानुभाव क्या कमेंट किए हैं जगत नारायण जी ज्योति कश्यप जी बबीता धीमान जी सर ज्योति कश्यप सर सर मेंबरशिप में प्रणव साधना और नारी शोधन और प्राणायाम शटकर्म शासन मुद्रा हट योग पूरा नहीं सिखाया जाता ध्यान के, के लिए जो आवश्यक है मुख्य रूप से यौगिक क्रियाएं जो प्राणायाम से संबंधित हैं उनको और उनके कई रूपों में बताया जाता है उसको विक्रम सिंह जी अवधेश कुमार जी बहुत अभिनंदन है शंकर प्रसाद जी रूपलाल विश्वकर्मा राजूपाल हरि नवज्योतिनाथ जी जयंती भाई पटेल राम लखन राजपूत राकेश मराठे अजीत अपराजित मन के नष्ट होने पर जगत का फीलिंग नहीं होता और मन के होने से जगत का अनुभूति बिल्कुल और और अनुभूति बुद्धि अहंकार से हो होता है और उन सब का आखिरी दृष्टा आत्मा उषा श्रीवास्तव जी विनोद कुमार सूद शिखर शर्मा जी विष्णुचंद्र मौर्य अजय नागरी रतन सिंह विन्देश्वरी मिश्रा जी गोविंद प्रसाद नीमा लाल बहादुर सिंह जी रिकेश चौहान जी श्वेता राय सिन्हा जी राम निवास मीना हीरा यादव आशा रामनी, एम के पीढ़ी योगेंद्र पंडित काशीनाथ जी सुधीर सिंह जम्वाल जी पुष्पा भाटी सुधीर सिंह जी केशव सिंह सूर्यवंशी बिमला शाह जी नूतन भट्ट बीकू कुचाड़िया जी अमन कक्कर बलवंत सिंह गोहिल धनराज सिंह राजपूत रुपेश सिंह केशव सिंह सूर्यवंशी पांडुरंग वराले अमित सिंह सूर्यवंशी ए के त्यागी जी बहुत अभिनंदन है आपका दिगंबर सिंह जी दया रानी सतीश कुमार जी श्याम सुंदर तिवारी जी राकेश गुप्ता जी गणेश पवार पवार जी पी केश चौहान यूपी सिक्सटी वन मन बहुत विचलित होता है ध्यान योग का कोर्स कर लीजिए ध्यान योग का कोर्स कर लीजिए ठीक है ना चलिए जिज्ञासुओं तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम देंगे कल फिर मिलेंगे आपसे लाइव चर्चा में जुड़े रहे बड़े और ध्यान योग में पतंजलि योग सूत्र पर व्याख्या चल रही है तो दो दिन का समय हमने दूसरे विषयों पर दिया जो ध्यान योग से ही संबंधित है प्राकृतिक चिकित्सा में भी ध्यान एक चिकित्सा है प्राकृतिक चिकित्सा में भी ध्यान करना एक चिकित्सा है ठीक है और प्राकृतिक चिकित्सा ध्यान में बहुत लाभ सहयोगी भी है तो ध्यान योग जरूर सीखें करें और प्राकृतिक चिकित्सा भी करें ठीक गुरु जी मन बहुत विचलित रहता है बता दिए जला दिग्पाल सिंह जी मेरे गुरु जी ने सेब दिया पता नहीं आपे गुरु जी जाने क्या क्या देते हैं और क्यों देते हैं ठीक है यह सब चमत्कारी बातें नहीं यहाँ पर विज्ञान की बात हो रही है अंधविश्वास की बात नहीं हो रही है ठीक है तो हम समझे इन विषयों को और इन विषयों को समझकर हम चलें तो निश्चय ही हमें लाभ प्राप्त होगा ठीक तो इस तो आगे पतंजलि योग सूत्र पे हमारी चर्चा चल रही थी तो आगे वही चर्चा बढ़ेगी कैवल्यपाद पाद आखिरी पाद पतंजलि योग सूत्र का कल से प्रारंभ हो जाएगा और उसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आप जुड़े रहें बने रहें और लाभ उठाते रहें बहुत बहुत आभार आप सभी का